हाय हाय हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। बहुत दिनों बाद आई हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी यार क्या स्टोरी लाऊं, अभी मैं क्या स्टोरी लाऊं। और आज जैसे ही बारिश हुई और मुझे याद आई मछलियों की, मछलियों से याद आई मुझे होशियार सिंह की। तो मैंने सोचा यार आज तो अपनी जनता को होशियार सिंह की कहानी सुनाई देते हैं, और ताकि मेरी जनता पेट पकड़ के हंसते 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 मैं उनको एंटरटेन कर सकूँ, और ऑफ कोर्स मैं आपकी स्माइल, प्यारी सी स्माइल देख सकूँ। सोचिए, ये होशियार सिंह रहता है, गबरू सा रहता है, बड़ी बड़ी मूछें रहती है, बड़ा सा पेट रहता है। अब ये गांव में रहता है और नई नई दुकान खोलता है। किसकी दुकान खोलता है? मछलियों की दुकान खोलता है। अभी जो भी नया बंदा बिजनेस करने जा रहा है भाई, उसकी तो जो पहले दिन की खुशी जो होती है भाई, अच्छे से सारे मछलियों को अच्छे से सजाता है, एकदम साफ सुथरा रखता है। और सामने जो बोर्ड में वो एक स्लेट आता है, उसमें वो लिखता है फ्रेश फिश सोल्ड हियर, और वो दुकान के ऊपर ऐसा टांग देता है कि भाई अब तो जनता आएगी और मेरा एकदम मछलियों का कारोबार एकदम मस्त एकदम होगा। ठीक है, अब वो तो बहुत एकदम पेशेंटली वेट कर रहा है कस्टमर्स का, फटाफट से आए और मेरी सारी मछलियाँ बिक जाएं। सो होते हुए एक पैसेंजर ऐसे ही गली से गुजरता है और उसकी नज़र जाती है होशियार सिंह के बोर्ड पर, जहाँ पर लिखा है फ्रेश फिश सोल्ड हियर। बंदा कहता है होशियार सिंह भाई, फ्रेश लिखने की क्या ज़रूरत है, कोई बासी मछलियाँ भी बेचता है क्या? होशियार सिंह सोचता है हाँ यार, आदमी तो पते की बात कर रहा है, ठीक है फ्रेश मिटा देता है। तो अब बोर्ड पे लिखा रहता है कि फिश सोल्ड हियर, ठीक है चलो जनता ने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, अच्छी बात है, मेरा नया दुकान चले इसमें मुझे क्या चाहिए। ठीक है, उतने में से दूसरा पैसेंजर गुजरता है और उसकी नज़र भी जाती है होशियार सिंह के बोर्ड पे, फिश सोल्ड हियर। बंदा बोलता है होशियार सिंह भाई सुन मेरी एक बात, भाई यहाँ पर यहीं पर मछली बिक रही है ना, तो हियर लिखने की अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है? होशियार सिंह ने बोला यार ये आदमी भी पते की बात कर रहा है, चलो ठीक है भाई हियर भी मिटा देते हैं। अब हियर भी उसने मिटा दिया, फ्रेश भी मिटा दिया, अब बोर्ड में सिर्फ दिख रहा है फिश सोल्ड। चलो भाई अब तो मेरा धंधा चलेगा एकदम अच्छा खासा, ढेर सारी मछलियाँ बिकेंगी। होशियार सिंह इस मूड पे बैठा था कि चलो भाई अब तो हो जाए, सारा बोर्ड वोड सब चेंज कर दिया, हो गया सब। उतने में एक विलेज के अध्यापक आते हैं उस दुकान पे, यानी कि टीचर आते हैं वहाँ पे। सो कहते हैं होशियार सिंह टेल मी वन थिंग, भाई सोल्ड मछलियाँ तुमने बेचने के लिए ही रखी है, तो भाई सोल्ड लिखने की क्या ज़रूरत है? तो होशियार सिंह ने बोला भाई ये तो अध्यापक है, टीचर है, भाई इसकी बात तो गलत नहीं हो सकती, चलो भाई सोल्ड भी मिटा देते हैं। तो उसने स्लेट से सोल्ड भी मिटा दिया, तो अब सिर्फ बोर्ड में इतने बड़े जो स्लेट का बोर्ड है उसमें सिर्फ दिख रहा था फिश। नाउ अब होशियार सिंह बोला चलो भाई अब पेशेंटली आई एम वेटिंग फॉर द कस्टमर्स, अब तो आएंगे कस्टमर और अब तो मेरी मछलियाँ बिकेंगी, और वो तो उसी बहाने बैठा था। उतने में एक कस्टमर आता है और गांव का ही आदमी रहता है। सो कहता है होशियार सिंह, उसकी भी नज़र बोर्ड पे ही, सबसे पहले बोर्ड पे ही जाती है, और कहता है होशियार सिंह भी बात बताओ, मैं आधे किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ और तुम्हारी जो मछलियों की जो स्मेल है वो मुझे आधे किलोमीटर दूर से आ रही है, सो फिश लिखने की क्या ज़रूरत है? मुझे दिख भी रहा है, आई मीन मेरी तो नाक ने सूंघ लिया आधे किलोमीटर दूर से। तो होशियार सिंह ने थैंक यू बोले भाई ठीक है फिश भी मिटा देते हैं, ठीक है भाई लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब वो स्लेट जो है खाली पड़ा है, एंड नाउ ही इज पेशेंटली वेटिंग फॉर द कस्टमर्स, एंड कि अब तो जोरदार हमारी कस्टमर्स आएंगे और हमारा फिश बिकेगा। मगर थोड़ी देर में उसकी बीवी आती है, होशियार सिंह की बीवी आती है, होशियार सिंह की बीवी की भी नज़र उस बोर्ड पे पड़ती है और बोलती है भाई होशियार सिंह जी ऐसे कोई बिजनेस करता है कि स्लेट खाली है और आप दुकान लगा के बैठे हैं? होशियार सिंह अपने बीवी को देखता है, बोले ये कितनी डंप है, मतलब सोचो उसने वही काम किया था पहले और देन
बीवी आके उसको वो जब बोलती है कि फ्रेश फिश सोल्ड हियर, वो लिखो स्लेब में क्योंकि तुम्हारा दुकान है, तुम ऐसा खाली बोर्ड नहीं रख सकते हो। तो होशियार सिंह को लगता है यार ये कैसी बात कर रही है। ठीक है, अब इस स्टोरी से पहली बात तो ये कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलती है, लोगों का जो नजरिया होता है हर किसी का नजरिया अलग होता है। सो दूसरों के नजर से देखना छोड़ के जो आपके लिए सही है उसी को देखना है। वो होशियार सिंह तो बिजनेसमैन था ना, उसके लिए तो वो टैगलाइन सही था, फ्रेश फिश सोल्ड हियर। लेकिन जो पैसेंजर्स वहां से गुजर रहे थे, जो टीचर वहां से गुजर रहा था, उन लोगों को देखने का नजरिया अलग था। सो नेक्स्ट टाइम सजेशन लीजिए, सुनिए, और मगर यहाँ पर यहाँ की बत्ती आपको जलानी है और जो सही है वो करना है, यानी कि दूसरों की बातों पे एकदम फटाक से आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, दूसरों की बातों में आके फटाक से कोई भी काम नहीं करना है। जस्ट यू हैव टू थिंक फर्स्ट कि इज इट राइट और रॉन्ग फॉर यू, क्योंकि हर किसी का डिसीजन, हर किसी की सोच और हर किसी का दिमाग अलग होता है, सबका ब्रेन अलग अलग वे में काम करता है। और इसी तरीके से जो होशियार सिंह की कहानी है याद रखिएगा, और अगर आपको पसंद आया तो अभी क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारे लाइक्स मिलने चाहिए अगर आपको पसंद आए, मुझे ऐसे ऐसे लाइक्स नहीं चाहिए। और उसके बाद स्टोरी सुनने के बाद क्या करना है आपको, कीप स्माइलिंग, ऐसी बड़ी वाली। ठीक है, सो कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, ये तो सबसे ज्यादा कंपलसरी है। मछलियों की कहानी सुन के कल मछली लेने लेने मत भाग जाइएगा आप होशियार सिंह के पास। और हाँ, हो सकता है कि मछली लेने जाएंगे और फिर बोर्ड होशियार सिंह का देखेंगे। ढेर सारी कहानी सुनाने का मेरा एक ही मतलब है कि मैं आप सभी को बस बहुत हंसा सकूं, ढेर सारा एंटरटेन ला सकूं आपके लाइफ में, ताकि मैं आपको एक रीजन दे सकूं आप सभी को हंसाने के लिए, ढेर सारी मस्ती करने के लिए। सो घर पे रह के अपने आसपास के लोगों को सताइए मत, और क्या, और सारे एनिमल्स और बर्ड्स को आपको फीड भी करना है, ठीक है, पानी देना है, खाना देना है, सब कुछ करना है, सबकी हेल्प करना है, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्माइल करना है। बाय गाइस।